हेलो गाइस, आप देख रहे हैं VMK टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस लेजर लाइट बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लाईबोर्ड लेंगे, इस पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को सेट करेंगे और फिर इसके बाद हमने एक बड़े से मिरर को काट कर उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं और फिर इन सभी चारों पीस को हम चारों कोनों पर सेट कर देंगे। वो आपको देखना है किस तरीके से सेट करना है। और इसमें हम लेज़र लाइट का यूज़ करेंगे जो चारों ये मिरर पर रिफ्लेक्स करेगी। और फिर एक LDR सर्किट लेंगे हम, और फिर एक LED के लिए हम ये इंडिकेटर लेंगे। अब इन सभी को हमने ग्लू स्टिक की मदद से चिपका दिया है और सभी को इस तरीके से चिपकाया है कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल इस LDR पर पड़ेगा। अब इसके बाद हम जो LED है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब इनके कनेक्शन करेंगे हम LDR सर्किट से। तो हम सबसे पहले बैटरी कैप के पॉजिटिव और नेगेटिव में जम्पर वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को LDR सर्किट के VCC और ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं और इस ब्लू जम्पर वायर को इनपुट पिन में। अब इसके बाद LED के पॉजिटिव को हम बैटरी कैप के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव को हम इस ब्लू जम्पर वायर से कनेक्ट कर देंगे और LDR सर्किट के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसे इस तरीके से सेट करेंगे कि जो हमारे मिरर में लेज़र लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इस पर पड़नी चाहिए। तो अब हम लेज़र लाइट को ऑन करेंगे तो देखिए, रिफ्लेक्ट होकर जैसे ही LDR पर पड़ रही है तो ये अभी ऑफ स्टेट में है इंडिकेटर, और जैसे ही इस पर रिफ्लेक्शन के बीच में कुछ आता है ऑब्जेक्ट तो ये इंडिकेट करने लगता है। इस तरह से हम इसका यूज़ अपने घर की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं या कोई फार्मर अपने खेत की फसल को एनिमल से बचाने के लिए भी इसका यूज कर सकता है, और इसका यूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।